गुजरात और हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने 18 राज्यों में एक साथ राज किया था, तो वहीं बीजेपी अभी 19 राज्यों में सत्ता में है। हालांकि 2018 में नागालैंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में चुनाव होने हैं। इन 5 में से 3 में कांग्रेस की सरकार है। इन राज्यों में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और मोदी सरकार भी उत्तर पूर्व के राज्यों में खास ध्यान दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी पहले भी शासन कर चुकी है, तो आइए जानते हैं कि मौजूदा समय में देश के किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने साल 2017 में हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 403 विधानसभा सीटों में यहां बीजेपी ने 325 सीटें जीती। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूपी के साथ चुनाव हुए थे, यहां भी बीजेपी ने शानदार बहुमत हासिल किया था। त्रिवेंद्र रावत यहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। बिहार। बिहार में बहुत ही नाटकीय तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी महागठबंधन से हार गई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के समर्थन से दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी फिर से उपमुख्यमंत्री बनाए गए। गोवा। गोवा में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के कुप्रबंधन के चलते बहुमत का आंकड़ा नहीं जुट सका और बीजेपी ने यहां पर मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में सरकार बना ली। मणिपुर। मणिपुर में भी गोवा की तरह ही कांग्रेस का हाल हुआ। बड़ी पार्टी होने के बावजूद यहां बीजेपी ने सरकार बनाई और बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। जयराम ठाकुर यहां के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकी। बीजेपी ने यहां विजय रूपाणी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने यहां पर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं। बीजेपी यहां पर गठबंधन में है। हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। मोदी के करीबी और आरएसएस के स्वयंसेवक रहे मनोहर लाल खट्टर यहां के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, यहां की सीएम वसुंधरा राजे हैं। राजस्थान में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं की वजह से राज्य सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचा है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 बार से सत्ता में हैं। इस दौरान उनके सामने और राज्य में कई बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन शिवराज की छवि जस की तस बनी हुई है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 2003 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यहां पर कांग्रेस अपने संगठन के नेताओं से जूझ रही है। झारखंड। झारखंड में 2014 में हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यहां के सीएम रघुवर दास हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम के साथ मिलकर सरकार बनाई। यहां बीजेपी के 4 विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। असम। असम में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है, यहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। बीजेपी ने यहां कांग्रेस के 10 सालों के शासन का अंत किया है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जो अभी यहां के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू पहले कांग्रेस में थे। नागालैंड। नागालैंड में पीपल्स फ्रंट की सरकार है। साल 2013 में एनसीपी के 4 में से 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद राज्य में बीजेपी के 4 विधायक हो गए, जो अब मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के नागा पीपल्स फ्रंट के साथ खड़े हैं।